हाँ बेटा, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद कर रहा हूँ ठीक होंगे आप लोग, और आपकी पढ़ाई एक प्रॉपर वे में चल रही होगी। इससे पहले पिछली वीडियो में हम लोग क्लास 8th की साइंस की मेटल्स एंड नॉन मेटल की कुछ टॉपिक क्लियर किए थे हम लोग, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज हम कुछ और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की डिस्कस करेंगे। इससे पिछली वीडियो में लास्ट टॉपिक जो थी वो कंडक्टिविटी थी। अब वहां पे एक वर्ड आता है कि कंडक्टर, तो वहां पे कंडक्टर मैं बात करूं दो टाइप का होता है, गुड कंडक्टर एक बैड कंडक्टर। इस बैड कंडक्टर को इंसुलेटर भी कहते हैं, इंसुलेटर, ठीक है। अब बात आती है कि गुड कंडक्टर किससे कहेंगे, कि जो भी आपका मेटल, मैं कहा एक चौक को है, मैं इसको मैं कहा एक मेरे पास डायग्राम बनाया, मैं कहा ये आयरन है, ठीक है। अब आयरन ये क्या हुआ, गुड कंडक्टर ऑफ, गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। कब कहा जाएगा, वाई, एट विच कंडीशन, या एट विच पॉइंट, एट विच पॉइंट ऑफ पॉइंट दिस आयरन इज कॉल्ड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो किस पॉइंट पे इसे कहा जाएगा गुड कंडक्टर ऑफ हीट या इलेक्ट्रिसिटी का। जैसे मैं इसको अगर हीट किया, स्टार्ट किया, ये मेरे पास बर्नर है, इसको मैं ए पॉइंट पे हीट करना स्टार्ट किया, और इस बी पॉइंट को मैंने इसके ओवर टच करूंगा हैंड से, अगर मुझे क्या हुआ थोड़ा सा हॉटनेस, मतलब हॉट लगता है, मींस इसका टेम्परेचर थोड़ा हाई लगता है, इसका मतलब यहां से हीट क्या हुआ ए से बी की ओर मूव करती है, या इन अदर वर्ड्स मींस जो हीट है वो लेफ्ट से क्या हुआ राइट की ओर मूव करेगी, तब इसको कहा जाएगा गुड कंडक्टर ऑफ हीट कहा जाएगा, ठीक है। मतलब आपने ए से हीट किया बी की ओर मूव करेगा, तो इस आयरन रॉड को क्या कहेंगे आप, आयरन रॉड को कहेंगे गुड कंडक्टर ऑफ हीट कहा जाएगा। सेम अगर मैं यहां पे क्या हुआ इलेक्ट्रिक वायर को कनेक्ट कर दूं, ठीक है, मतलब यहां पे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करूं इस ए वाले पॉइंट पे, अगर मुझे यहां पे टच किया मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा बी पॉइंट पे, तो मैं इसी आपका आयरन रॉड को क्या कहूंगा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो इसी आयरन रॉड को कहा जाएगा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे, हीट पास होगी तो इसी को कहेंगे गुड कंडक्टर ऑफ हीट कहा जाएगा, ठीक है। तो अब बात होती है यहां पे थोड़ा डेफिनेशन दे, दोज मटेरियल्स व्हिच अलाउ टू पास हीट और इलेक्ट्रिसिटी, यहां पे हीट और इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम आर कॉल्ड गुड कंडक्टर, ठीक है। तो जिसमें आपका हीट और लाइट पास होगी उसी को हम लोग यहाँ पे कहेंगे गुड कंडक्टर कहेंगे। इसका एग्जांपल होगा मेटल्स, मीन्स यहाँ पे सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम, आयरन एटसेट्रा, मेटल्स क्या हुआ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं एंड हीट होते हैं। कुछ क्या गुड ज्यादा बेस्ट होते हैं, कुछ बेटर होते हैं, कुछ गुड होते हैं। अब अगर दूसरी बात है बैड कंडक्टर, मैं इसी को क्या हुआ आयरन रॉड को क्या मानूं, प्लास्टिक एग्जाम्पल के तौर पर इसको क्या प्लास्टिक रॉड कह लो, ठीक है। अगर मैं क्या हुआ पहली कंडीशन में क्या हुआ, मैंने अगर मैं यहां पे फिर वही एग्जांपल रिपीट कर रहा हूं, मैंने हीट को यहां पे प्रोड्यूस किया, मैंने हीट को सप्लाई किया, अगर ए से बी पॉइंट पे ना ट्रांसफर हो हीट, तो इसी को मैं क्या आप कहूंगा, इसी प्लास्टिक रॉड को क्या कहूंगा बैड कंडक्टर कहूंगा, बैड कंडक्टर ऑफ हीट कहूंगा, ठीक है, या इसे इंसुलेटर ऑफ हीट कहूंगा मैं, ठीक है। तो जब हीट ट्रांसफर नहीं हुआ तो इसे बोला गया बैड कंडक्टर ऑफ हीट कहा गया। एज सेम मैन व्हेन सप्लाई टू द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम दिस पॉइंट, फ्रॉम ए पॉइंट, कहा कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड एट ए पॉइंट देन इलेक्ट्रिसिटी डू नॉट ट्रांसफर टुवर्ड द बी पॉइंट या एट बी पॉइंट, भाई यहां से इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर किया गया तो ए से क्या बी पॉइंट पे नहीं पहुंचा, या यहां से ट्रांसफर नहीं हो पाया ए पे, तो मुझे क्या बी पॉइंट को अटैच करूंगा जब मैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करना था, तो बी पॉइंट पे जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचेगी तो इसी मैं कहूंगा इस रॉड को, प्लास्टिक रॉड को क्या कहूंगा बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहूंगा, तब जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो नहीं होगी। अगर इस ऐसे में क्या की क्या हुआ, इसमें हीट सप्लाई किया गया, हीट अगर ट्रांसफर नहीं होगी तो इसी प्लास्टिक रॉड को कहूंगा बैड कंडक्टर ऑफ हीट कहूंगा। आई थिंक ये दोनों पॉइंट क्लियर होंगे होंगे। हाँ थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा दो एग्जांपल प्लास्टिक्स एंड वुड। प्लास्टिक में क्या होंगे भाई, आपका थर्मोसेटिक प्लास्टिक होंगे, थर्मोप्लास्टिक होंगे, आपने फाइबर एंड फाइबर में फाइबर वाले भी चैप्टर में चैप्टर में थर्ड जो है उसमें पढ़ा होगा फाइबर एंड प्लास्टिक।
दूसरी बात क्या है, प्रॉपर्टी क्या हुआ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है आपका कंडक्टिविटी की बात, लस्टर, लस्टर का मतलब यहाँ पे हुआ लस्टर मीन्स होता है चमक, ठीक है, लस्टर का मतलब होता है यहाँ पे कहीं मेंशन होगा भी, लस्टर का मतलब होता है शाइन, चमक, ठीक है। तो भाई जो भी मेटल्स होते हैं वो क्या होता है, लस्टर्स इन नेचर होते हैं, मोस्ट मेटल्स, मैं कहा मेटल्स क्या होता है, जनरली क्या लस्टर्स होते हैं, मतलब उनमें शाइनिंग प्रॉपर्टी होगी। जैसे आपने देखा होगा ऑर्नामेंट में यहाँ पे ज्वेलरी जिसका यूज करते हैं हम लोग, गोल्ड एंड सिल्वर, तो गोल्ड और सिल्वर में क्या उसमें शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है कि नहीं, तभी तो हम लोग यूज कर जाता है उसकी शाइनिंग प्रॉपर्टी है। वैसे तो मेटल्स क्या होते हैं, वो क्या होता है लस्टर्स इन नेचर होते हैं, मतलब उनमें क्या हुआ शाइनिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है, ठीक है। तो बात होती है यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर, भाई इसमें लस्टरस प्रॉपर्टी होती है, शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है, इस नाते इसका यूज किया जाता है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे जो क्या हुआ, मोस्ट जो मेटल्स होते हैं उनके कलर कैसा होता है, ग्रे इन कलर होता है, ग्रे कलर होता है, मोस्ट मेटल्स है ग्रे कलर्स, या मतलब क्या होगा हूँ कि कलर ऑफ मेटल्स आर ग्रे। तो बात होती है कि मेटल्स क्या होता है, लस्टरस होते हैं, शाइनिंग प्रॉपर्टी होगी। दूसरी बात कहूँ ये नॉन मेटल्स क्या होता है, आर नॉट लस्टरस एक्सेप्ट आयोडीन, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जो भी नॉन मेटल्स होते हैं, जितने भी आपका मेटल्स नॉन मेटल्स होते हैं, वो क्या होता है उनमें शाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती, सिर्फ एक्सेप्ट क्या हुआ आयोडीन, आयोडीन एक इज अ नॉन मेटल विच हैज लस्टरस प्रॉपर्टी, मतलब आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो क्या हुआ लस्टरस प्रॉपर्टी रखता है, या उनके पास लस्टरस शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो याद ये भी क्लियर हो गया होगा। दूसरी बात है स्ट्रेंथ पावर, स्ट्रेंथ पावर यहाँ पे मतलब जैसे आप बेंच में बैठते हैं बच्चे, छोटे बच्चे या बड़े, या हम लोग खासकर कोई भी बेंच पे, अक्सर जो बेंच होती है या चेयर की बात करूँ तो अगर आयरन की बनी हो, या आपने देखा हो बिल्डिंग जो है उसमें आयरन रॉड का यूज़ किया जाता है, या ट्रक जो है उसकी जो बेस होता है वो भी आयरन का बना होता है, तो स्ट्रेंथ मतलब वहाँ पे अपने ऊपर क्या वेट को बियर कर लेना या वेट को होल्ड कर लेना, वही क्या हुआ स्ट्रेंथ होता है। तो इसकी डिफिनेशन, दिस मीन्स बियर टू वेट और होल्ड टू द वेट ऑन देम, मतलब उन पे क्या खुद पर क्या हुआ वेट को बियर कर लें या होल्ड कर लें, उसी को बोलते हैं स्ट्रेंथ, ठीक है। तो जो मेटल्स होते हैं उनमें स्ट्रेंथ पावर ज्यादा होती है, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्ट्रेंथ पावर या मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ किसके पास होती है, आयरन के पास। इसने देखा हुआ आयरन का यूज क्या हुआ, हम लोग देखा हुआ ब्रिज में यूज किया जाता है, जो रेलवे ट्रैक होता है उसमें यूज किया जाता है, आपका बिल्डिंग्स में यूज किया जाता है, बेंच में यूज किया जाता है, मतलब हर जगह पे आपको आयरन यूज कर मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके पास स्ट्रेंथ पावर होती है। अगर स्ट्रेंथ पावर नहीं होती तो क्या हुआ वो इसका यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो बात हुई कि मेटल्स क्या हुआ, हैव मेटल्स सो स्ट्रेंथ पावर, मतलब वो क्या हुआ मेटल्स जो होते हैं वो अपने ऊपर वेट को बियर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ पावर जो होती है वो आयरन की होती है, ठीक है, ये आप क्वेश्चन पॉइंट नोट ध्यान रखिएगा। बात आती है कि नॉन मेटल्स होते हैं डू नॉट सो स्ट्रेंथ पावर, मतलब मेटल्स नॉन मेटल्स में जो होती है वो स्ट्रेंथ पावर नहीं होती है, ठीक है। अगर होती तो शायद नॉन मेटल्स का भी यूज करते थे, कहीं आपने देखा सल्फर का यूज करते हुए भाई उसके ऊपर 10 किलो का वेट रख दिया, या मैं कोयला लिया, कोयला कोल जो है उस कोयले कोल के ऊपर क्या हुआ 10 केजी का हैमर रख दें, भाई हैमर रखेंगे तो क्या बियर करता है, क्रैक हो जाएगा तुरंत, मीन्स ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक हो जाएगा तो वो क्या हो उसकी प्रॉपर्टी ब्रिस्टल, ठीक है। तो नॉन मेटल्स क्या होता है उसके पास स्ट्रेंथ पावर नहीं होती है, ठीक है। दूसरी बात क्या हुआ कि सोनोलसनेस, मतलब यहाँ पे साउंड प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी, तो सोनोलसनेस का मतलब यहाँ पे होगा क्या कि वो दे प्रोड्यूस साउंड ऑन हैमरिंग और हिटिंग ऑन देम, जब उस पर क्या हैमरिंग किया जाएगा या हिटिंग किया जाएगा तो उसमें क्या हुआ वो साउंड प्रोड्यूस करेंगे, तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं सोनोरसनेस कहते हैं, सोनोरसनेस कहा जाएगा, ठीक है। तो मेटल्स जो होता है वो साउंड प्रोड्यूस किया जाएगा जब उस पर हिट किया जाएगा या हैमरिंग किया जाएगा तो वो साउंड प्रोड्यूस करेंगे, जबकि नॉन मेटल्स जो है वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे। जैसे मैं कहा कि एक कोल है प्रोड्यूस तो करें, हाँ लाइट साउंड प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन उसके कंपेयर में साउंड मेटल्स के कंपेयर में उतना साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे। मैं एक एग्जांपल के तौर पे कहूँ कि कोल है, उस कोल पे आपने हैमर से हिट किया तो हिट करेंगे तो साउंड तो थोड़ा बहुत लाइट साउंड प्रोड्यूस करेगा, लेकिन एज कम्पेयर टू मेटल मीन्स वहाँ पे कहूँ एक आयरन बेल हो, उस आयरन बेल पे सेम फोर्स कोल भी अप्लाई करते हैं और आयरन बेल पे, तो वहाँ पे आयरन बेल पे जो होगा साउंड ज़्यादा प्रोड्यूस होगी एज कम्पेयर टू कोल। तो यहाँ पे क्या हुआ नॉन मेटल्स होते हैं आर नॉट प्रोड्यूस टू साउंड, आर नॉट प्रोड्यूस साउंड।
sonorous are not sonorous, but they non-metals, they do not produce sound during hitting या on hitting या due to hitting. Hitting के द्वारा क्या हुआ या hammering के द्वारा वो जो non-metals होते हैं वो sound produce नहीं करते हैं, मतलब they do not so do the sonorousness property. एक बात last topic जो होगी वो last topic ये है कि hardness. Metals जो होते हैं वो hard होते हैं, अगर जबकि non-metals क्या हुआ, mostly non-metals are not hard. लेकिन मैं बात करूँ यहाँ पे diamond में क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, ये allotrope of carbon होता है, ये form of carbon होता है, form of carbon कौन, ये diamond, ये सबसे hardest known substances है. मैं कहा hardest known substances कौन होगा, hardest known substances, इसका आंसर कौन होगा, hardest known substance, इसमें आंसर होगा diamond. Diamond क्या होता है, hard होता है, ये form of carbon होता है, बाकी जितने भी non-metals होते हैं वो हार्ड नहीं होते हैं, मतलब दे डू नॉट शो टू द हार्डनेस प्रॉपर्टी. लेकिन मेटल्स क्या होता है, हार्डनेस प्रॉपर्टी शो करते हैं. मेटल्स क्या हुआ, हार्ड होते हैं, लेकिन इसमें दो मेटल्स ऐसे होते हैं जो सॉफ्ट मेटल होते हैं. दो मेटल क्या हुआ आपका, सॉफ्ट मेटल होते हैं, सॉफ्ट मेटल. उसमें एग्जाम्पल जो होगा सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम आर टू मेटल्स विच आर सॉफ्ट इन नेचर. दिस मीन्स दे कट विद अ नाइफ, बाकी एक्सेप्ट ऑल द मेटल्स डू नॉट कट बाय द नाइफ. मैं कहा कि सोडियम एंड पोटेशियम का दो नॉन मेटल्स ऐसे होते हैं जो उसको आप क्या हुआ नाइफ से कट कर सकते हैं, बाकी जितनी भी मेटल्स होते हैं उसको कट नहीं कर सकते हैं. मतलब सोडियम और पोटेशियम क्या होगा, ये सॉफ्ट मेटल होता है, बाकी जितने मेटल होते हैं वो हार्ड होंगे. लेकिन नॉन मेटल्स क्या होते हैं, दे डू नॉट हार्ड इन नेचर. मतलब हार्ड तो होते हैं लेकिन मेटल्स के कंपेयर में इतना हार्ड नहीं होंगे. मतलब मैं कहूँ कि नॉन मेटल्स को दे कट विद अ नाइफ इन इजी वे. मतलब क्या हुआ, नॉन मेटल्स को आप आसानी से कट कर सकते हैं नाइफ के द्वारा. लेकिन जो आपका डायमंड होगा ये सबसे हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है, क्योंकि यहाँ पे एक फॉर्म ऑफ कार्बन, मतलब जो डायमंड के अंदर क्या हुआ कार्बन होते हैं, इस नाते यहाँ पे नॉन मेटल को के अंदर रखा जाता है. लेकिन बाद में कहूँ कि डायमंड जो होगा, अगर मैं पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया हु इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस, वहाँ पे देन आंसर योर आंसर इज डायमंड. तो आई थिंक ये आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्लियर हो गई होगी, और कोई और पॉइंट क्लियर नहीं होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं.